नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी के सामने मैं महावीर साईं आज के YouTube प्लेटफॉर्म पर अपने YouTube चैनल मैथ बाय महावीर सर के साथ में। आज अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संज्ञा पद्धति। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें यह पहला पहला पार्ट रहता है। हर एक हर हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, मैं शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पढ़ते हैं। संख्या, जैसे संख्या शुरू होती है पहले अंक से, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, पहले जीरो फिर दस ग्यारह बारह, यहां से समझेंगे ये क्या है। ये क्या है, सिर्फ एक अंक है, डिजिट है। ठीक है, और ये है 11। दो अंक मिलके, जब दो डिजिट मिलके जब संख्या का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। क्या संख्या, यानी नंबर। ठीक है, और सिर्फ अकेला नंबर आ जाए इसको नंबर भी कह सकते हैं और डिजिट भी कह सकते हैं। ठीक है, अपन आगे देखते हैं। आगे देखो, संख्या, संख्या कितने प्रकार की होती है। मूल रूप से संख्या दो प्रकार की होती है। एक नंबर होता है वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर, और एक होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या पहले देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या, जैसे अंडरूट के अंदर कोई भी पहले माइनस आ जाए, अंडरूट के अंदर माइनस आके कुछ भी लिख दिए संख्या, तो ये क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या, यानी इमेजरी इमेजरी नंबर। ठीक है, और वास्तविक संख्या रियल नंबर, बाकी सब क्या है, रियल नंबर है। यानी इसको छोड़ के बाकी जो भी नंबर आ रहा है रियल नंबर, चाहे माइनस में हो या अंडररूट के बाहर माइनस आ गया तो भी रियल नंबर है नहीं है? कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो भी रियल नंबर है। रियल नंबर मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होती परिमेय संख्या और दूसरी थी अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपको पूछ लिया अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या फिर वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या किसमें आ रही है, वास्तविक संख्या में, तो क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, यहां से समझ लेते हैं। कोई भी संख्या जब पी अपॉन क्यू के रूप में हो, पी अपॉन क्यू अंश बटा हर के रूप में हो, लेकिन हर क्या होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए। हर जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, हर जीरो होगा तो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अनंत क्या, एक अपरिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या क्या होती है, शॉर्ट रूम में पढ़े अपन कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें तो क्या करना पड़ेगा, इसको अनरूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, क्या अभाज्य, तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अनरूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, जैसे आ गई अनरूट आठ, आठ तो क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन देखो है कैसे है, दो 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 सॉरी, दो गुना दो कितना होता है, चार। चार क्या है, दो का वर्ग बाहर आ जाएगा, यानी दो अनरूट, दो अनरूट के अंदर एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के अंदर पहले देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या है, छोड़ प्राकृत संख्या से पहले अपन पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है, ताकि समझ में आराम से आए वो। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, पूर्णांक संख्या के अंदर माइनस और प्लस वाली संख्या क्या है, सब आती है। ठीक है, जैसे माइनस पांच, माइनस चार, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक दो तीन चार, ये क्या है? चलती रहती है, कहां तक, अनंत तक चलती रहती है।
और ये कहां तक, ऐसे यहां ये भी माइनस अनंत तक चलेगी। तो ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का ये है भाग, देखो ये भाग होगा धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्या है धनात्मक, और ये क्या है, ये है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी में से निकालेंगे अपन, पूर्णांक संख्या में से निकलेगी पूर्ण संख्या, क्या निकलेगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है जीरो से स्टार्ट, जीरो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये क्या रहे चलती रहेगी। अब देखो जीरो, यस, तो ये तो होगी पूर्ण संख्या, ये कितनी है, ये पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या के अंदर होती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसको मैं साफ कर रहा हूं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या के अंदर होगी। प्राकृत संख्या शुरू होती है एक से, एक दो तीन चार पांच छह, ये क्या है अनंत तक चलती रहेगी, ठीक है। अब प्राकृत संख्याओं में भाग होते हैं, एक तो होती है सम या फिर विषम, दूसरी होती है भाज्य और अभाज्य संख्या, ठीक है। इतना नोट कर लो। इसके बाद में अब देखो, अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, माना ये क्या है जीरो, जीरो क्या प्राकृत संख्या है या फिर पूर्ण संख्या है। तो आप क्या बोलोगे, सर पूर्ण संख्या है और पूर्णांक भी है, परिमेय भी है, पूर्ण संख्या जीरो कहां से होती है, पूर्ण संख्या से शुरू होती है, ये तो जीरो एक दो तीन अनंत, और ये जीरो एक दो तीन चार अनंत, ठीक है, नोट कर लेना। इसके बाद में अपन एक सम और विषम, सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक दो चार छ आठ दस बारह चौदह हो, ठीक है। अब यहां पे देखो इकाई का अंक क्या है, दो चार, मैंने जीरो नहीं लिया, क्यों नहीं लिया जीरो, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने जीरो नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, देखो जीरो सम संख्या किसमें, प्राकृत संख्या के अंदर आ रही है, लेकिन प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आते, जीरो तो पूर्ण संख्या से शुरू होता है, तो क्या होगा, जीरो कभी भी सम संख्या नहीं होती, लेकिन दस का इकाई का अंक जीरो आ जाए, कोई भी संख्या लिख दी मैंने पांच सात जीरो, तो ये क्या सम संख्या है, ठीक है, इस बात को नोट रखना, ठीक है। अब किसी भी संख्या के अंदर इकाई का अंक ये हो तो उसमें क्या जाएगा, दो का भाग पूरा पूरा जाएगा, वो क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। अब देखो पांच सात चार में दो का भाग पूरा पूरा जाएगा तो सम संख्या कहलाएगी। अब देखो विषम संख्या, विषम संख्या इन सभी अंकों को छोड़ के क्या है, विषम संख्या, जैसे एक तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह, ये सब क्या विषम संख्या, ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या। अब देखें अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके क्या होते सिर्फ दो ही टुकड़े हो सकते हैं, दो टुकड़े कैसे होंगे, इसको मैं आपको समझा रहा हूं, देखो जैसे दो तीन चार पांच, इसके पहले क्या लिख देते हैं अपन, एक लिख देते हैं, एक में टुकड़ा क्या होगा, सिर्फ एक का ही भाग जाएगा, दो के अंदर एक तो एक का भाग जा रहा है, एक इसका दो का भाग जा रहा है, तीन के अंदर एक का भाग जा रहा है, तीन का भाग जा रहा है, चार के अंदर एक का जा रहा है, दो का जा रहा है, चार का जा रहा है, पांच के अंदर एक का जा रहा है और सिर्फ पांच का जा रहा है। अब देखो छह के अंदर किसका भाग जाएगा, एक का दो का तीन का छह का। अब देखो यहां से इसके एक टुकड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, दो दो के अंदर एक और दो टुकड़े हो रहे हैं, दो अभाज्य संख्या है, तीन भी है, चार नहीं है,
पांच भी है नहीं, दो तीन पांच। अब यहां से एक बात मिल रही है कि दो दो क्या है, समभाज्य संख्या है। दो एक ऐसा नंबर है वो क्या है, सिर्फ समभाज्य संख्या है, बाकी सब क्या है, समभाज्य संख्या कोई नहीं, सिर्फ दो को छोड़ के। तो सबसे छोटी कहो या फिर बड़ी कहो, समभाज्य संख्या कौन सी है, दो, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तीन, बाकी सब तो विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, कोई कोई नौ नहीं है, नौ के अंदर एक का भाग जा रहा है, तीन का जा रहा है और नौ खुद का जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नहीं है। तो बात याद रखनी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ले तो क्या लिखना है, दो, और सम में पूछे तो दो और विषम में पूछे तो तीन, ठीक है। अब देखो ये तो आप नोट कर लो, अब यहां से देखो एक से पचास, एक से पचास तक अभाज्य संख्या कितनी है, 15 है, ठीक है, और 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या, तो एक से 100 तक कितनी हो गई, कुल 25 अभाज्य संख्या हो गई। अब है कौन कौन सी, एक से 50 तक मैं आपको यहां लिखवा रहा हूं, ठीक है, ये नोट कर लो, आप वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो समभाज्य संख्या दो तीन, मैं आपको यहां पे अभाज्य संख्या लिख रहा हूं, दो तीन पांच सात नौ नहीं है, फिर 11 13 17 19, ठीक है, 15 में तो भाग जाएगा, तीन का जाता है 19, फिर 23 29 31 37 41 43 और 47, ठीक है, कितनी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, ये हो गई एक से पचास तक अभाज्य संख्या। अब देखो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 97, ठीक है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97, ये नोट कर लेना। ये समझ आने के बाद अपन यहां देखते हैं भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसमें क्या है, और अभाज्य संख्या को अपन ऐसी भी ऐसी संख्या जिसके अंदर एक का और स्वयं का भाग जाता हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, और इसके अंदर ऐसी संख्या जिसके अंदर क्या है, किसी का भी भाग चला जाए, जैसे दो से अधिक टुकड़े हो, जैसे एक दो तीन चार पांच छह, यहां से अंदर दो का तो अभाज्य है, तीन को भी अपन देख लिया, चार में क्या है, एक का दो का चार का भाग जा रहा है, पांच में एक का और पांच का, छह में देखो एक का दो का तीन का छह का, अब एक में देखो एक में सिर्फ एक का ही भाग जा रहा है, ठीक है, तो एक में एक का भाग जा रहा है और अभाज्य संख्या में दिया एक में एक का भाग जा रहा है, तो इससे ये होता है एक के न तो दो संख्या भाग जा रहा है और न दो से ज्यादा संख्या भाग, तो एक क्या है, एक न भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये बात नोट करने की। फिर चार क्या है, दो से ज्यादा भाग जा रहा है, तो चार क्या है, भाज्य संख्या है, छह क्या है, भाज्य संख्या है, तो ऐसे करके अपन देखो ये तो हो गई। तो आप बताओ एक से सौ तक, एक से सौ तक कितनी भाज्य संख्या है और कितनी अभाज्य है, बता पाएगा, आप बोलोगे सर 25 तो क्या है, अभाज्य संख्या आपने बताई, ठीक है, अब पीछे कितनी मिली, 75, 75 क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है, गलत है, मैंने आपको बोला था एक बात नोट कर लो, एक तो न अभाज्य संख्या, एक और भाज्य संख्या दोनों ही नहीं है, तो एक तो क्या है, एक अलग संख्या, तो पीछे कितनी बची, 74, ठीक है, ये बात याद रखना पक्का। अब देखो अलग से देख लेना नोट करके, एक होता है जीरो और एक क्या होता है, एक होता है कि नहीं होता है, अब देखो जीरो कहां काम आता है और एक कहां काम आता है, जीरो के अंदर किसी को भी जीरो किसी के अंदर जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी के अंदर भी घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आएगी, वही संख्या आएगी, आएगी नहीं आएगी, वही संख्या आएगी, जीरो को जोड़ो या घटाओ, लेकिन जीरो को गुणा करोगे और भाग करोगे तो गुणा करोगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो का भाग करोगे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, है कि नहीं। इसी प्रकार देखो एक को किसी के साथ जोड़ोगे तो संख्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और घटाओगे तो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा चेंज, लेकिन एक को किसी के साथ गुणा करो या एक का किसी के साथ भाग दो तो क्या होगा, नो चेंज, ये बात याद रखना, ये गुणा भाग में एक परिवर्तन कर रहा है
और क्या कर रहा है, गुणा भाग में परिवर्तन नहीं कर रहा है, सॉरी एक, और गुणा भाग में जीरो परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। अब ये अपन का पार्ट एक, ये आप सारे रेलवे की तैयारी करो, एनटीपीसी या ग्रुप डी की, एसएससी की, किसी की भी तैयारी करो, बैंक की, तो इसमें क्या है, नंबर सिस्टम हर एक में आता ही आता है, ठीक है। या चाहे आप किसी की भी तैयारी करो, पटवारी की, पुलिस की, सब में आता ही आता है, ठीक है दोस्तों। आज इतना ही याद कर लेना, आगे पढ़ेंगे अपन नंबर सिस्टम से कल से, ठीक है। और सारणी बना लेना अच्छी तरीके से, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। पक्का का पक्का करें, आप सभी के सहयोग चाहिए, अपने चैनल को आगे बढ़ेगा और मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाने की, ठीक है।